इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 4 मार्च 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। एजुकेशन भास्कर, भास्कर प्रश्न बैंक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर नॉलेज सीरीज, आज का इतिहास, 4 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाएं। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती के आवेदन में संशोधन, 12 मार्च तक ₹300 लगेगा शुल्क, शिक्षा विभाग बीकानेर। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर हो रही है। 15 मार्च तक थर्ड ग्रेड की आंसर की। संविदा कर्मियों ने शिक्षक भर्ती में मांगे बोनस अंक, बीकानेर, राजस्थान पत्रिका न्यूज। रीट पास शैक्षणिक संविदा कार्मिक संघ ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का। राजस्थान विधानसभा प्रदेश में पहली बार पटवारी के अधिकांश पद भरे, शेष खाली पदों को भी शीघ्र भरा जाएगा, मंत्री का बयान। राजस्थान विधानसभा में खाली पदों के लिए शीघ्र भर्ती होगी पटवारी की। मुख्यमंत्री ने बजट 2023 में पटवारी भर्ती की घोषणा की है। करीब 12% वर्तमान में पटवारी के पद खाली। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का परिणाम 9 मार्च तक जारी होने की संभावना। सांख्यिकी अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2021 का परिणाम जारी, आरपीएससी अजमेर। उपेन यादव के नेतृत्व में कर्मचारी चयन बोर्ड में बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन, पेपर आउट और नई भर्तियों को लेकर। उपेन यादव का बयान, 1,00,000 नई भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण जारी हो। पीटीआई भर्ती का परिणाम और सीएचओ परीक्षा वापस कराने की मांग, कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर बेरोजगारों का प्रदर्शन, राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। आरपीएससी कॉर्नर, सांख्यिक अधिकारी का साक्षात्कार परिणाम जारी, सब इंस्पेक्टर भर्ती के 4th चरण के साक्षात्कार 13 से। व्याख्याता से उप प्राचार्य पदोन्नति से आया नया पेज, परीक्षा से पहले खाली हुए फर्स्ट ग्रेड के 10,000 पद, कई स्कूलों में व्याख्याताओं की तुलना में हो गए उप प्राचार्य के पद अधिक, काउंसलिंग नहीं होने से उन्हीं स्कूलों में किया कार्य ग्रहण, राजस्थान पत्रिका न्यूज डूंगरपुर। 7,000 स्कूलों में नई है संस्था प्रधान, पहले फर्स्ट ग्रेड के करीब 16,000 पद खाली, अब 10,000 पद और खाली, 26,000 के आसपास फर्स्ट ग्रेड के पद। विभाग में उलझी सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की पदोन्नति, 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा तीसरा चयन वर्ष, 39,000 से अधिक पद खाली, चूरू, राजस्थान पत्रिका न्यूज। सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, प्रदेश में बेरोजगारी बनेगा चुनावी मुद्दा, तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। कड़ी सुरक्षा में नागौर पहुंचे बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र। मदस विश्वविद्यालय सालाना परीक्षा में 3 घंटे का पेपर होगा पूरा सिलेबस, राजस्थान पत्रिका अजमेर। सीटेट और यूजीसी नेट,
शिक्षा निदेशालय की अनूठी पहल, विषय विशेषज्ञ फोन पर करेंगे बोर्ड परीक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान। अजमेर जेडब्ल्यू मेंस में इस साल 10 लाख से ज्यादा हो सकते हैं यूनिक कैंडिडेट्स। यूजीसी नेट ज्योग्राफी की परीक्षा में भारी अनियमितता, वीडियो आया सामने। 6 दिन बाद शुरू होगी बच्चों की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा। जयपुर युवा शिक्षा अवसर, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश 8 से। स्कूली बच्चों को रोडवेज में 75 किलोमीटर यात्रा फ्री। जयपुर राजस्थान पत्रिका, 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 13 से 21 अप्रैल तक। शिक्षा विभाग बीकानेर बोर्ड परीक्षार्थियों की समस्याओं का होगा समाधान। राजस्थान पत्रिका न्यूज, शिक्षा विभाग बीकानेर। 1763 पदों पर मेडिकल ऑफिसर के पदों को मिलेगी नियुक्ति। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के 33 आरोपित की जमानत खारिज, सेकेंड ग्रेड पेपर आउट मामला। 13 अप्रैल से शुरू होगी 5वीं बोर्ड की परीक्षा, 2.5 घंटे के होंगे प्रश्न पत्र। राजस्थान पत्रिका, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, भास्कर न्यूज। ये कैसी पदोन्नति, जिले में हर सारी सरकारी स्कूल को चाहिए उप प्राचार्य, अभी एक एक में ही 4 से 5 उप प्राचार्य। 12वीं बोर्ड एग्जाम 9 से 309 केंद्रों पर 52,863 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। सीकर परीक्षा पैटर्न बदला, 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा भरतपुर सीटेट, दिसंबर 2022 परिणाम जारी। अजमेर एमजीएस विश्वविद्यालय यूजी की प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू, पीजी की 15 मार्च से होगी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, बीकानेर युवा शिक्षा अवसर, प्रत्येक विषय के बीच एक दिन का अंतराल, 5वीं बोर्ड टाइम टेबल। 9 से शुरू होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं, 10वीं का पहला पेपर 16 मार्च को अलवर। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर, सीबीएसई बोर्ड 10वीं बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न के दो भाग में सामान्य स्टूडेंट्स व ब्लाइंड स्टूडेंट्स के प्रश्न के स्पष्ट संकेत ही नहीं। सीयूटी परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती और कन्नड़ सहित 13 भाषाओं में होगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में प्रवेश तिथि 25 तक बढ़ी। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज़।